सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उपार्थ और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज का वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो पर मैं आपको सिखाऊंगा जियो का फोन में आप कैसे करके व्हाट्सएप को चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे होंगे, आप जियो का फोन में भी व्हाट्सएप को चला सकते हैं। दोस्तों ये मेरे पास जियो का फोन है और इसी फोन में मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप कैसे करके जियो का फोन में चल सकता है। दोस्तों बिल्कुल नया ट्रिक है और इस ट्रिक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफी सारा मेरे व्यूअर का जो है यही रिकमेंड था कि आप सिखाओ हमें कि कैसे करके जियो का फोन में व्हाट्सएप हम चला सकते हैं। तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये ट्रिक, जिस ट्रिक को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप जियो का फोन में भी व्हाट्सएप को चला सकते हैं। दोस्तों जियो का अगर ऑफिशियल बात पे चले तो ऑफिशियल का हिसाब से दोस्तों आप जियो का फोन में व्हाट्सएप को नहीं चला सकते, लेकिन मैं आपको आज ट्रिक सिखाऊंगा जिस ट्रिक को आप फॉलो करके जियो का फोन में व्हाट्सएप को चला सकते हैं। दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं जियो का फोन में कैसे करके आप व्हाट्सएप को चला सकते हैं। दोस्तों ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा browserlink.com। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखूंगा तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और थोड़े देर तक इसको वेट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों ये ब्राउजर देख सकते हैं आप ओपन हो गया है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है। दोस्तों मैं पहले से लॉगिन हूँ तो मैं डायरेक्ट इस पेज का नीचे में चला जाता हूँ। दोस्तों नीचे में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज फॉर फ्री लॉटरी, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको थोड़ी देर तक जो है वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो गया 44, 43, तो आपको थोड़ी देर तक जो है वेट करना है। और दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, इस मोबाइल में 1 बटन से जो है जूम आउट होता है और 3 बटन से जूम इन होता है। तो जैसे QR कोड आएगा तो आप सबसे पहले +1 बटन से आप उसको जूम आउट कर लीजिएगा ताकि आपका जो QR कोड आएगा वो उसको आप स्कैन अच्छे तरीके से कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काउंटिंग हो गया है, तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जहाँ पे क्लिक करना है, तो इस लिंक के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको +1 करना है और यहाँ पे इसको जूम आउट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक QR कोड आ जाएगा, उस QR कोड को आपको अपना एंड्रॉइड फोन से स्कैन करना है। तो यहाँ पे एक QR कोड आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक QR कोड आ चुका है। तो अभी करना क्या है दोस्तों, आपको अपना एंड्रॉइड फोन से इस QR कोड को स्कैन करना है जिसपे आपका व्हाट्सएप लॉगिंग हो। दोस्तों जिस एंड्रॉइड फोन में आप व्हाट्सएप को चलाते हैं, तो आइए इस एंड्रॉइड फोन को देख लेते हैं। तो इस पर मेरा व्हाट्सएप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे वेब व्हाट्सएप लिखा है, ठीक है, व्हाट्सएप वेब लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा प्रोसेस आ जाएगा स्कैनिंग का। तो उसके बाद दोस्तों आपके पास जो ये जियो का फोन में QR कोड आया है इसको स्कैन करना है, आइए इसको स्कैन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये स्कैन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोन में व्हाट्सएप चालू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको और भी करीब से दिखाने का कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोन में व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का मैसेज पढ़ना है या फिर किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप मैसेज भेज भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इनका जो है मैसेज ओपन किया हूँ, ठीक है ना। तो इसका ये फोटो है देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज भी आप भेज सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर सुझाव है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। दोस्तों आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल जाएगा जियो का फोन पे कैसे करके व्हाट्सएप को चला सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, जय हिंद, धन्यवाद।